हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं आपसे किस बारे में बात करने वाली हूँ और किस बारे में बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली ये बात करना जरूरी है क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बारे में बात नहीं कर रही थी क्योंकि मैं आपको व्लॉग में दिखाना चाहती थी कि क्या क्या मैं कर रही हूँ कोरोना की वजह से, बट कुछ रीजन की वजह से थोड़ा सा व्लॉग छोटा हो जा रहा था, थोड़े से मैं आपको दिखा नहीं पा रही थी। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आपको कोरोना का कुछ भी नहीं लेना देना, मतलब कोरोना के बारे में आपको इतना कोरोना कोरोना चल रहा है बट आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको पैसे से मतलब है, आपको पैसा कमाना है, आप व्लॉग बनाए जा रही हो ये वो। बट मुझे लगा था कि आप सभी लोग न्यूज़ देखते होंगे, आप सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे, तो इसी वजह से मुझे लगा कि आपको मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। बट अभी इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपसे कनेक्टेड हूँ या मैं आपसे इतना डेली लाइफ शेयर करती हूँ, मैं मुझे शेयर करना चाहिए जो मैं कर रही हूँ अपने डेली लाइफ में, या कोरोना से बचने के लिए या अपने बच्चों के लिए जो भी कर रही हूँ, तो वो मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली अभी ज़रूरत है ये शेयर करने की क्योंकि कोरोना ये छोटा मोटा वायरस नहीं है, ये इतना बड़ा वायरस है कि आपको पता होगा कि कोरोना का क्या चल रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे, मतलब जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पर तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट जिन पे ये बीती है, जिनके साथ हो रहा है, जिनके सामने ये हो रहा है, उनके दिमाग में कितना ज़्यादा इसका डर बैठ गया है उन्हीं को पता होगा। फिर भी हम इतने सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, फिर भी हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं इसके लिए कि ये हमारे तक ना आए, मतलब जो लिंक है वो वही टूट जाए, हमारे तक ना आए ये। तो इसी वजह से हम लोग इतना सारा कर रहे हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा कदम उठाया है इसके लिए। मतलब उन्होंने जो किया है, जो संडे के दिन हमें कर्फ्यू लगाने वाले हैं, जो हमें करना है, मतलब सुबह से लेके हमें शाम तक बाहर नहीं निकलना है, 14 घंटे तक हमें बाहर नहीं निकलना है, और 5 बजे हमें क्लैपिंग करनी है ताकि ये जो वायरस है वो उसकी लिंक वहीं पर टूट जाए और वो हमारे तक ना आए। इसी वजह से हमें भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें भी वही मतलब जोश उनको दिखाना चाहिए। एक दिन घर पर रह लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब उल्टा हमारे लिए अच्छा है। उन्होंने तो कदम हमारे लिए उठाया है बट उनके साथ साथ हमें चलना है, उनको सपोर्ट करना है हमें। ये सपोर्ट उनके लिए नहीं रहेगा, ये सपोर्ट हमारे लिए रहेगा, खुद के लिए, हमारे लिए। इस सपोर्ट से हम लोग सेफ हो जाएंगे, मतलब कोरोना वायरस जो है वहाँ पर ही उसकी लिंक टूट जाएगी और वो हमारे तक नहीं आएगा। तो इसी वजह से हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। संडे के दिन हमें बाहर नहीं निकलना है, किसी चीज़ को टच नहीं करना है, बस हमें घर पे ही रहना है। कुछ लोगों को पता नहीं होगा कोरोना वायरस क्या है। पहले तो ये न्यूज़ आई थी कि कोरोना वायरस जो है वो जानवरों से हमारे तक आया है। चीन में जो मार्केट था, जो नॉनवेज मार्केट था, तो वहाँ से ये हमारे तक फैला है। बट अब न्यूज़ आ रही है कि जो वायरस बनाया गया है चीन में, तो उन वहाँ से ही ये जो वायरस है वो लीक हुआ है और वहाँ से ही ये फैल रहा है। तो ये सारे देशों में फैल रहा है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फैल गया है। तो इतने सारे लोग इससे मर रहे हैं, इतने सारे लोगों को ये फेस करना पड़ रहा है। जहाँ पर मैं रह रही हूँ वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक भी पेशेंट नहीं दिखा है अभी तक, बट फिर भी हम लोग इतनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं इसके लिए, मतलब इतना कर रहे हैं कि आपको मैंने आपको ब्लॉग में नहीं दिखाया है इसीलिए कि आपको पता होगा। इसी वजह से तो मैंने सोचा चलो इस पे सेपरेट वीडियो बना देती हूँ और आपको पता भी चल जाएगा कि क्या क्या करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या करना है इसके लिए। सिर्फ आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना है, उससे आपको नमस्ते करना है उसको, और अगर हाथ मिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है आपको, अगर आप हाथ मिला रहे हो किसी से, तो आपको हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप हैंड वॉश के स्टेप्स है वो फॉलो कीजिए, आप आगे देख लीजिए हैंड वॉश कैसे करना है।
नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपकी बॉडी की हीट को मेंटेन रखना है, मतलब आपकी बॉडी की हीट कम नहीं होनी चाहिए, आपकी बॉडी की हीट मेंटेन रखनी है, आपको गर्म पानी से नहाना है, उसमें डिटॉल डाल के नहाना है, डिटॉल सारी जगह छिड़कना है, घर में आपको पोछा लगाने के टाइम डिटॉल यूज करना है, सारी चीजों में आपको डिटॉल यूज करना है, नहाने के पानी में, आपको कपड़े धोने के पानी में डिटॉल यूज करना है, कपड़े हमेशा हमेशा धोते रहना है, आपको कपड़े एक बार निकाल दिए तो वो वैसे ही नहीं रखना है, आपको वो धो के ही रखना है, वो भी डिटॉल के पानी से निकाल के धो के रखना है, ये चीजें आपको करनी है। डिटॉल हर जगह यूज करना है, आपको सैनिटाइजर हर जगह यूज करना है, आप अगर डिटॉल हर टाइम यूज नहीं कर सकते हो बाहर अगर जा रहे हो तो बाहर जाना आपको बंद ही कर देना है, पूरा टोटल बंद कर देना है। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है बाहर जाने की और आपका काम ही नहीं हो रहा है बाहर जाने से तो आपको बाहर जाना है, बट बाहर सैनिटाइजर हमेशा हमेशा यूज करना है। आपको ऐसी जगह पे नहीं जाना है कि जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो या बहुत ज्यादा रश हो, ऐसी जगह पर आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ये चीजें है मेन। और दूसरी चीज ये है कि आपको कपूर जो है वो घर में बहुत सारा जलाना है, कपूर जलाने से भी इसका जो संक्रमण है वो रोका जाएगा, मतलब कपूर तो जलाना ही है आपको घर में, और कपूर को हर जगह आपको डाल देना है, जैसे सोफा हो गया सोफे पर डालना है, या बेड हो गया बेड पर डाल देना है, जो आप हैंकी यूज करते हो उस पर डालना है, और उस पर दो दो घंटे के बाद आपको हैंकी वॉश करना है, वो अगर आप मास्क यूज कर रहे हो तो वो भी आपको दो घंटे के बाद धोना है या आपको चेंज करना है, वही मास्क यूज नहीं करना है आपको, और मास्क जो है सिर्फ दो या तीन घंटे तक ही आप यूज कर सकते हो, वो वाला मास्क, एक जो मास्क है वो, और उस पर भी आपको कपूर डाल के आपको वो लगाना है, और वो दो घंटे तक ही रखना है, दो या तीन घंटे तक ज्यादा से ज्यादा, उसके आगे नहीं रखना है आपको, नहीं है तो आप हैंकी भी यूज कर सकते हो, हैंकी पे भी कपूर डाल के आप बांध सकते हो और हैंकी भी वॉश कर सकते हो दो तीन घंटे के बाद ऐसे। और कुछ कुछ लोगों की ऐसी ड्यूटी होती है कि जिनको बाहर जाना ही पड़ता है, उसमें मेरे हस्बैंड आते हैं, मेरे हस्बैंड की ड्यूटी आपको पता ही होगी कि वो महाराष्ट्र पुलिस है तो उनको बाहर जाना ही पड़ता है, उनकी ड्यूटी कभी बंद नहीं होगी, जो मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल में है या मतलब डॉक्टर है नर्स है, ये सारे लोग, इनको कभी छुट्टियाँ नहीं होगी, मतलब कोरोना वायरस हो या कुछ भी हो, तो इनको अगर बाहर जाना है, जैसे मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं तो उसके बाद जब घर पे आते हैं तो मैं एक काम करती हूँ, उनके लिए पानी बॉईल करती हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ, थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ, और वो पानी जो है उससे उनको गरारे करने के लिए बोलती हूँ, तो वो गरारे वो करते हैं और उससे उनका जो वायरस है वो जो संक्रमण है वो रोका जा सकता है। हमने हल्दी ऐड की है, हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, और हम लोग गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं तो उसके हम लोग जब गरारे करेंगे, आपको कोरोना हो गया है तो वो आपके गले में दो दिन तक रहेगा, दो या तीन दिन तक, और उसके बाद आपके लंग्स तक पहुंचेगा, तो इसी वजह से आपको गले से ही उसको हटाना है, तो इसी वजह से आपके गरारे जो है उसको हटाने में हेल्प करेंगे, जैसे आपको गर्म पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के उसके गरारे करने हैं जब भी आप बाहर से आते हो। अगर आप घर पे रहते हो तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको करना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ कि आपको करना चाहिए, और दिन में दो बार आपको गरारे करनी चाहिए उस पानी के, और आपको हमेशा गर्म पानी पीना है, हमेशा, मतलब जब भी आप पानी पीते हो तो हमेशा आपको गर्म पानी पीना है, उससे आपका जो ये संक्रमण है वो रोका जाएगा। गर्मी स्टार्ट हो गई तो हमें ठंडे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा होगा, बट हमें ठंडा इस टाइम नहीं खाना है कुछ दिनों तक, जब तक कोरोना है, जब तक कोरोना की जो दवाई है वो हमारे पास आ नहीं जाती तब तक हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसे हमें थोड़ा सा ठंडे से दूर रहना पड़ेगा, तो ठंडे से दूर रहना है, ठंडी चीजों से दूर रहना है, विटामिन सी की ज्यादा मात्रा हमारे खाने में लेनी है, विटामिन सी की जो मात्रा है हमारे डाइट में हमें बढ़ा देनी है, तो इसी तरह से हमें थोड़ा सा ध्यान देना है हमारे डाइट पे, हमारा डाइट बहुत ही ज्यादा अच्छे से लेना है हमें। मार्केट में आंवला जूस वगैरह अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो इससे बचने के लिए, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और हम किसी चीज को हाथ लगाए या ना लगाए, बट हमारा मोबाइल हमसे बिल्कुल नहीं छूटता है, तो हमारे मोबाइल को हमेशा सैनिटाइज करके रखना है हमें, कॉटन पे थोड़ा सा सैनिटाइजर लेके आपको हमेशा हमेशा आपके मोबाइल को सैनिटाइज करते रहना है, बस यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, किसी को टच नहीं करना है, किसी चीज को टच नहीं करना है, किसी चीज को टच करने के बाद आपको हैंड वॉश करना है या सैनिटाइज करना है अपने हैंड्स को। एक तो सर्दी जुकाम होने से बचाना है हमें खुद को, अगर सर्दी जुकाम हो ही भी जाता है, मतलब थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो जाता है तो आपको छींकना है इस तरह से हाथ लगा के, अगर आप हैंकी यूज करते हो छींकने के लिए तो वो हैंकी आपको उसी तरह से उसी टाइम डाल देनी है, दूसरा हैंकी लेना है दूसरे छींक के टाइम पे, अगर आपसे वो नहीं होता है तो आप टिश्यू यूज करिए, नहीं तो आप हाथों का यूज करिए, अगर आप हाथों में ऐसे छींकते हो तो आपका छींक भी बाहर नहीं जाएगी, आपके हाथों को आप सैनिटाइज कर सकते हो या आपके हाथों को आप वॉश कर सकते हो हमेशा हमेशा, वैसे आप हैंकी वॉश नहीं कर सकते हो, या सिंपल तरीका है आप टिश्यू यूज कर लो, तो ये सारी चीजें करिए। हेल्दी खाना है, हेल्दी रहना है, और घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना है, कितना भी जरूरी काम हो बाहर नहीं जाना है आपको, और किसी को टच नहीं करना है, सेफ रहना है, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए,
और घर पे रहिए, बस इतना ही कहना चाहती थी। और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा क्लीनिंग पे ध्यान दे रही हूँ अभी, क्योंकि हैंड वॉश हमेशा हमेशा कर रही हूँ, बच्चों के कपड़े बहुत ही अच्छे से धो रही हूँ, उसमें डेटॉल डाल के धो रही हूँ। घर तो आपको पता ही होगा कि मेरा क्लीन रहता है, बट आप भी और भी ज्यादा ध्यान दे रही हूँ क्लीनिंग पे। जो भी मैं क्लीन कर रही हूँ उसके टाइम पे डेटॉल यूज कर रही हूँ। घर के हर नल के पास मैंने डेटॉल रख दिया है ताकि हमें इधर उधर ढूंढना ना पड़े डेटॉल, और डेटॉल से हम लोग हैंड वॉश कर सके बार बार। ये चीजें कर रही हूँ। और हम लोगों ने क्या किया है, एक स्प्रे बॉटल में उसमें थोड़ा सा पानी डाल के डेटॉल भर के रखा है, तो वो हमेशा हमेशा हम लोग ऐसे घर पे छिड़क रहे हैं। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं, घर के बाहर नहीं जा रहे हैं। घर के बाहर अगर जाना भी हो, बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है, तो ही घर के बाहर जा रहे हैं। बच्चों को हमेशा हमेशा मास्क लगा के दे रही हूँ कपूर डाल के, ये सारी चीजें कर रही हूँ। और मैंने सोचा चलो आपको पता नहीं होगा तो आपके साथ शेयर कर दूँ, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही आ गई आपके सामने। और ऐसे ही मुझे लगा कि अब भी वीडियो बनाना चाहिए, तो इसी वजह से मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। तो इसी वजह से मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, किसी से हाथ मत मिलाइए, किसी को टच मत करिए, हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए और घर पे रहिए। मेन बात तो ये है कि आप घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए। और जो मोदी जी ने हमारे लिए सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए और घर पे रहिए, प्लीज़ बाहर मत निकलिए संडे के दिन। कर्फ्यू जो है वो हमारे लिए रखा गया है, ना कि दूसरों के लिए, तो प्लीज़ घर पे रहिए और प्लीज़ किसी को टच मत करिए। बस इतना ही कहना चाहती थी। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।